हेलो गाइस, आज मैं गूगल की चार सेटिंग बताने वाला जो आपके अपने मोबाइल पे करना ही करना है। अगर आप ये गूगल की चार सेटिंग नहीं करोगे तो आपका मोबाइल भी बर्बाद हो जाएगा और आप भी बर्बाद हो जाओगे और आप जेल में पड़े होंगे। तो दोस्तों, आपको गूगल की चार सेटिंग क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड ऊपर तीन बिंदी देकर इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर सेटिंग खुल जाएगी। तो सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, इसमें क्लिक करने पर सिंपली आपको क्या करना, आपको यहां पे साइड सेटिंग का ऑप्शन दिया होगा, सिंपली आपको यहां पे इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन दे रखा है, इस लोकेशन में क्लिक करना। जैसे आप इस लोकेशन पर क्लिक करोगे, ये लोकेशन आपके मोबाइल पे बंद होगी। सिंपली आपको क्या करना, आपको इस लोकेशन को ऑन करना है। इस लोकेशन को ऑन करने का मतलब ये है, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया या आपका फ़ोन गुम गया है तो आप अपने फ़ोन को बड़ी इजली तरीके से खोज सकते हो, सर्च कर सकते हो। अगर चोर चोरी किया हो मोबाइल आकर चोर ले जाता तो सबसे पहले वो क्या करता, जीपीएस बंद करता, ये जीपीएस यहाँ से बंद हो जाएगा, लेकिन ये वाली लोकेशन यहाँ पे ऑन रहेगी। इस लोकेशन को ऑन करने के बाद मतलब ये है, आप अपने फ़ोन को बड़ी इजीली तरीके से खोज सकते हो। अगर फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर देगा, उसकी लास्ट लोकेशन ये वाली लोकेशन ऑन है, तो बता दे कि आपका फ़ोन किस जगह पर स्विच ऑफ हुआ है। तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि आप इस लोकेशन को ऑन करके अपने फ़ोन को कैसे खोज सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ गूगल की। तो दोस्तों, गूगल का नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि दोस्तों आपको यहाँ पे डाटा स्टोरेज का ऑप्शन दे रखे। सिंपली आपको डाटा स्टोरेज का ऑप्शन सर्च करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे डाटा स्टोर मतलब डाटा स्टोर ये है, जैसे आप यहाँ पे मोबाइल पे अपने कुछ भी सर्च करते हो तो आपके गूगल पे हिस्ट्री सेव हो जाती है। आप हिस्ट्री तो क्लियर कर देते हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री क्लियर करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट का डाटा यहाँ पे सारा सेव हो जाता है कि आपने क्या क्या अपने मोबाइल पर सर्च किया है। तो दोस्तों, कोई भी आप वेबसाइट सर्च करोगे तो यहाँ पर उसका डाटा बन जाता है, कैचम चला जाता है, मतलब एम बी में बन जाता है, जी बी में बन जाता है। यहाँ पर मैं हर डेली यानी क्लियर करता रहता हूँ। सिंपली आपको क्या करना, आपको मोबाइल हैंग नहीं होगा, आपका फ़ोन स्मूथ भी चलेगा जब भी आप कोई भी साइट ओपन करोगे। सिंपली आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना, यहाँ पर नीचे क्लियर डाटा में क्लिक कर दोगे और आपको यहाँ पर सिंपली इसको क्लियर कर देना। यहाँ से जैसे आप क्लियर, तो आपका यहाँ पर डाटा स्टोर क्लियर हो जाएगा और आपका फ़ोन स्मूथ चलने लग जाएगा, हैंग भी नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, प्रोटेक्टेड कॉन्टेंट। सिंपली आपको यहाँ प्रोटेक्टेड कॉन्टेंट का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया प्रोटेक्टेड कॉन्टेंट, ये आपके अलाउ होगा। मान लो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे गंदे गंदे एड्स प्ले होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की वीडियो प्ले हो जाती है, जिसके कारण आपका डाटा खर्च होता है और आपके मोबाइल पे कैचे बनता है, जिसके कारण मोबाइल हैंग होता है और आपके मोबाइल का स्पेस भी भर जाता है। सिंपली तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देना। इस ब्लॉक करने का मतलब ये है प्रोटेक्टेड कॉन्टेंट का, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो कोई भी गंदे एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप अपने फैमिलियर के सामने भी अपनी वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, अच्छी अच्छी वेबसाइट भी ओपन करते हो वहाँ पर भी आपको गंदे एड्स देखने को मिल जाते हैं। सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पर ब्लॉक करके इसको रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ऑटोमेटिक डाउनलोड। तो चलिए दोस्तों, ऑटोमेटिक डाउनलोड ये दे रखा है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे कोई भी पॉपअप ऐड देखने को मिल जाते हैं। वेबसाइट ओपन हो करते हो तो वहाँ पे पॉपअप ऐड हो जाता है, बैक भी नहीं होता और वहाँ पे कुछ भी यहाँ पे डाउनलोड होता रहता है ऑटोमेटिक। कभी गूगल प्ले स्टोर का ऐप डाउनलोड करवाएगा, कभी कुछ डाउनलोड करवाएगा। सिंपली आपको क्या करना, ऑटोमेटिक डाउनलोड को क्या करना, आपको इसको ब्लॉक करना, या आपका अनु चालू हो जाएगा। मतलब इसको जैसे आप इनेबल कर देंगे, कोई भी डाउनलोड होने से पहले सबसे पहले आपसे पूछेगा ये डाउनलोड करना है या नहीं, तो आप डाउनलोड ना करोगे कैंसिल कर दोगे। है ना कमाल की इंटरेस्टिंग है चारों सेटिंग। दोस्तों, गूगल के जिस किसी को भी गूगल की चारों सेटिंग पसंद आई हो ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।